हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आम आदमी ब्रेन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, जनरल साइंस, हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है आंकड़ा विज्ञान, जिसे आप स्टैटिक्स या सांख्यिकी भी कह सकते हो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन, जिसे हम मध्यमान या माध्य कहते हैं, मीडियन, जिसे हम मध्यिका या फिर माध्य कहा जाता है, मोड, जिसे बहुलक कहा जाता है, और रेंज, जिसे विचलन सीमा कहा जाता है। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन इन चारों के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेटेड वीडियो मिलती रहे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इस नंबर में हमने जो फाइंड करना है, पहले हमने फाइंड करना है रेंज, जिसे हम विचलन सीमा कहते हैं, और दूसरा हमने फाइंड करना है मीन, जिसे हम मध्यमान या माध्य कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से जो पहली ऑप्शन है स्टूडेंट वो रेंज की होगी, और जो दूसरी ऑप्शन है वो मीन की होगी। तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने नंबर्स को ध्यान से देखना है, और इस नंबर में से जब हम रेंज फाइंड करेंगे, जिसे हम विचलन सीमा कहते हैं, तो स्टूडेंट विचलन पता करने के लिए आप सबसे पहले इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखोगे, 35, 47, 37, 26, इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखोगे। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो, तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 47। और स्टूडेंट अब इसमें आप सबसे छोटा नंबर देखोगे, तो इन नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट वो है 25। तो स्टूडेंट रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 47, उसमें से आपने जो छोटा नंबर है 25 उसे माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट आपके पास आया 22। तो सिंपल स्टूडेंट, इसकी जो रेंज आएगी, जो इसकी विचलन सीमा आएगी, वो आएगी 22। तो स्टूडेंट दूसरा इसमें हमने पता करना है वो है हमारे पास मीन, जिसे हम दूसरा स्टूडेंट हमने इसमें मीन पता करना है, जिसे हम मध्यमान या फिर माध्य कह सकते हैं। तो स्टूडेंट मध्यमान या मीन पता करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का हम सम करेंगे स्टूडेंट, 35, 47, 37, 26, 25, 31, 42, 33, 41 एंड 40, इन सभी नंबर का स्टूडेंट मैंने क्या किया, सम किया। और स्टूडेंट इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सम से, टोटल नंबर ऑफ नंबर से। तो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे पास 10 संख्याएं हैं, और 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट 3, 5, 7, और आप स्टूडेंट इसे डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 3, 5.7। तो स्टूडेंट पहले सम का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है स्टूडेंट, जो रेंज आई है स्टूडेंट वो आई है 22, और स्टूडेंट जो हमारे पास मीन आया है वो आया है 35.7। जे ऑप्शन वाला आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इस नंबर का स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, एक रेंज फाइंड करनी है जिसे हम विचलन सीमा कह रहे हैं, और दूसरा हमने मीन फाइंड करना है जिसे हम मध्यमान या माध्य कह रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास चार ऑप्शन दी गई है, तो आइए स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि हमने पहले समय किया कि विचलन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है वो है 47, और स्टूडेंट जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट वो है हमारे पास 50। स्टूडेंट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 47 है और सबसे छोटा नंबर देखेंगे वो है 15। तो स्टूडेंट रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है 47 उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 32। इट मीन स्टूडेंट जो हमारे पास रेंज आई है, विचलन आया है वो है 32। अब स्टूडेंट हमने सेकंड फाइंड करना है, वो है स्टूडेंट हमारे पास मीन, जिसे हम मध्यमान कहते हैं या फिर माध्य कहा जाता है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है, इन सभी नंबर्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल हम इसका सम करेंगे 15, 17, 37, 33, 22 + 47, 27 and 16। और स्टूडेंट हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ टर्म से, हमारे पास कितनी संख्या है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास आता है स्टूडेंट 265, और 265 को स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट 26.5। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रेंज आई वो है 32, और जो हमारे पास मीन मध्यमान आया वो आया 26.5। तो स्टूडेंट हमारा क्या आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर स्टूडेंट, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने स्टूडेंट इस नंबर में मीडियन फाइंड करना है जिसे हम मध्यिका कहते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको मीन और रेंज कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम अब सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मध्यिका या फिर माध्य कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये उससे भी इजी है, आपने करना क्या है, इन सभी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट आपने इन सभी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स आपने इन नंबर को बढ़ते क्रम में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, तो बढ़ते क्रम में लिखना है बस, उसके बाद हमें मीडियन फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट कैसा लिखा जाएगा, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे वो है हमारे पास 15, उसके बाद 17, उसके बाद स्टूडेंट 18, उसके बाद 20, फिर 21, उसके बाद 24, उसके बाद 25, 29, 35। तो स्टूडेंट कुछ नहीं किया, मैंने इन 10 नंबरों को 9 नंबर्स को ऐसे इंक्रीजिंग के ऑर्डर में लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्टूडेंट जब आपके पास टोटल टर्म्स 9 है, देखिए स्टूडेंट टोटल टर्म्स आपके पास 9 है, तो आपने मीडियन फाइंड करना है, मध्यिका फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप इनके सेंटर वाला नंबर देखोगे। तो सेंटर वाला कौन सा है स्टूडेंट, ये टोटल नंबर 9 है, तो स्टूडेंट 4 नंबर आप इधर से लेफ्ट कर सकते हो और 4 नंबर इधर से लेफ्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपके सेंटर में क्या बचा, आपके सेंटर में बचा स्टूडेंट 21। तो इट मीन स्टूडेंट जो आपका मीडियन होगा, जिसे आप मध्यिका कह रहे हो, वो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 21। क्लियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, इन सभी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने लिखने के बाद आपने नंबर्स को काउंट करना है। अगर जो ऑड नंबर होंगे स्टूडेंट, जैसे कि 9 आया है ऑड नंबर है, तो आपको इसका सेंटर वाला फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। मान लो स्टूडेंट अगर जो नंबर आपके पास 17 होते, देखिए स्टूडेंट अगर 17 होते तो आप क्या करते स्टूडेंट, 8 नंबर इधर से लेफ्ट कर देते और 8 नंबर इधर से लेफ्ट कर देते, तो सेंटर में जो बचता स्टूडेंट वो आपका मीडियन होता। तो क्लियर है स्टूडेंट, आप ऐसे आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे अगर टोटल नंबर्स इवन हो तो हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मीडियन जिसे हम माध्यिका जब माध्य कहते हैं हमने वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बस जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने, हम इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बढ़ते क्रम में हम इन नंबर्स को लगाएंगे स्टूडेंट, और उसके बाद हम जो सेंटर में होगा हम उसे देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूं तो सबसे पहले मेरे पास आएगा स्टूडेंट 31, उसके बाद 33, 35, 40, 42, 50, 53, 54, 60 एंड 62, 65 एंड 70। देखो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो स्टूडेंट इन नंबर्स को काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 12 नंबर है, मीन्स नंबर है जो हमारे पास वो इवन है, हम इसमें ओड नंबर नहीं है तो हम सेंटर वाला नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट करना क्या है, आपने इनमें से जो दो नंबर सेंटर में आ रहे हैं आपने उन्हें चूज करना है। देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास टोटल 12 नंबर है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, जो पांच नंबर में इस साइड सेलेक्ट कर दूंगा 1 2 3 4 और एक जे वाला 5, जो पांच नंबर में इस साइड से लेफ्ट कर दूंगा। दोनों साइड से स्टूडेंट पांच नंबर इस साइड से लेफ्ट किए और पांच नंबर इस साइड से लेफ्ट किए, तो हमारे पास स्टूडेंट जो सेंटर में नंबर बचते हैं वो ये दो नंबर हैं जो सेंटर में हमारे पास बचे हैं, वो कौन कौन से स्टूडेंट, वो हमारे पास 50 एंड 53। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इन दोनों नंबर का सम कर देना है और इसे डिवाइड करना है स्टूडेंट 2 से। तो हमारे पास इसका सम है 103 और आपने इसे 2 से डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 51.5 है जो आपका वो आंसर आएगा। तो स्टूडेंट जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 51.5। क्लियर स्टूडेंट, जब आपके पास ओड नंबर होंगे तो जो सेंटर में नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा, लेकिन जब आपके पास नंबर इवन में होंगे तो आपने जो सेंटर है उन दोनों उस पूरी सीरीज का उन नंबर्स को उठाना है, उस नंबर का सम करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट उसे 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना वो बना 51.5, यही आपका मीडियन होगा। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने फाइंड करना है मोड जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट बहुलक। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद होगी कि आपको रेंज मीडियन मीन फाइंड करना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम सीखेंगे कि मोड कैसे फाइंड किया जाता है, जिसे हम बहुलक कहते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट एग्जाम में देखो मीन मीडियन बहुलक का मोड का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट हमारे पास चार ऑप्शन दी गई हैं, 7, 12, 15 और 17। स्टूडेंट हम इसे इन ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट देखो मोड होता क्या है, बहुलक होता क्या है, देखिए जैसे कि इसके इसके नाम से क्लियर है, बहुलक मतलब बहुत ज्यादा, जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो ज्यादा होगा हम वही हमारा आंसर होगा, वही बहुलक होगा। तो स्टूडेंट देखिए हम सभी नंबर को चेक करेंगे कौन सा नंबर है जो वो कितनी बार आया है। तो स्टूडेंट जब हम देख रहे हैं सबसे पहले हम 7 नंबर को 7 को चेक करेंगे कि जो 7 है वो कितनी बार इस नंबर में आया है। तो स्टूडेंट देखो इस पूरी सीरीज में जब आप 7 को चेक करते हैं तो 7 आपके पास है सिर्फ एक बार, 7 आपके पास सिर्फ एक बार ही आया है। स्टूडेंट अब सेकंड ऑप्शन है 12, तो 12 को हम चेक करते हैं स्टूडेंट 12 कितनी बार आया। स्टूडेंट देखो एक तो 12 दे रहा, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, इट मीन स्टूडेंट जो 12 हमारे पास आया ये हमारे पास 4 टाइम आया है। तो स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं जो 7 हमारे पास एक बार ही आया है, 12 हमारे पास 4 टाइम आया है, और बात करते हैं 15 की। तो स्टूडेंट जब हम 15 को चेक करते हैं तो 15 हमारे पास स्टूडेंट जे है, दोनों 15 एक साथ है, तो इट मीन 15 हमारे पास आया
दो बार। तो स्टूडेंट 17 डी ऑप्शन को चेक करेंगे। डी स्टूडेंट हमारे पास जो आया है एक जे वाला और एक जे, तो स्टूडेंट डी हमारे पास कितने बार आया, दो बार। तो स्टूडेंट बहुलक का मतलब है कि कौन सा नंबर है जो बहुत ज्यादा बार आया है, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा बार आया है 12, तो इट मीन्स हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इट मीन स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमारे पास मोड होगा वो होगा स्टूडेंट 12। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अगली एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमने फाइंड करना है मोड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे हम ऑप्शन की हिसाब से करेंगे, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम चेक करेंगे कि 50 कितने बार आया है इस नंबर में। तो स्टूडेंट 50 को चेक कर रहे हैं, जे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 50 आया वो आया 6 टाइम। अब स्टूडेंट 45 को चेक करते हैं, 45 जहां पे हमारे पास 1 और 2 और 3, जो हमारे पास स्टूडेंट 45 आया है, जे हमारे पास आया है 3 टाइम। अब स्टूडेंट 52 को चेक करते हैं, 52 कितने बार आया हमारे पास, 52 एक, स्टूडेंट 52 हमारे पास 1 टाइम ही आया है। और अब 65 को चेक करेंगे, तो 65 हमारे पास स्टूडेंट 1, 2, ओनली 2 टाइम। इट मीन स्टूडेंट हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि जो 50 है वो 6 टाइम्स आया है, सबसे ज्यादा टाइम ज्यादा बार है जो 50 ही आया है। तो स्टूडेंट जो हमारा मोड होगा वो होगा ऑप्शन ए, आंसर 50। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस मैथ एसएसटी रीजनिंग की बहुत सी वीडियो है जो वो देख सकते हो। तो स्टूडेंट चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनका जो मीडियन है वो गिवन है। स्टूडेंट हमें जो मीडियन दिया हुआ है मीन्स जो हमें मध्यिका दी हुई है, स्टूडेंट मध्यिका हमें दी गई है 157.5। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि इस नंबर में अगर मध्यिका है जो 157.5 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारे पास जे वाला एक्स है स्टूडेंट, हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखो इन्होंने पहले कह रखा है कि ये जो नंबर लगे हुए हैं ये पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो हमें इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं और सेंटर वाला चेक करते हैं। स्टूडेंट देखिए पहले नंबर्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो स्टूडेंट हमारे पास ये टोटल 12 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि मीडियन का जो फार्मूला है वो क्या था, स्टूडेंट जो हमारे पास मध्यिका थी वो कैसे फाइंड करते थे। मध्यिका के लिए हम जो अगर 12 है तो स्टूडेंट 5 हम इस साइड से लेफ्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हम इस नंबर से इस साइड से लेफ्ट करेंगे और स्टूडेंट 5 ही हम इस नंबर से इस साइड से लेफ्ट कर देंगे। तो सेंटर में हमारे पास बचे स्टूडेंट दो नंबर, कौन कौन से स्टूडेंट, एक्स एंड एक्स प्लस 5। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, जो दो नंबर बचे थे हमने इन दोनों का सम किया और इसे डिवाइड किया 2 से। और स्टूडेंट मीडियन हमारे पास गिवन है, कितना है स्टूडेंट, वो है हमारे पास 157.5। तो सिंपल स्टूडेंट जहां से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास बना स्टूडेंट 2x+5, एक्स को एक्सेस किया 2x+5, और स्टूडेंट जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आप कह सकते हो कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आया 157.5 × 2। तो स्टूडेंट हमारे पास बना 2x+5 = 315, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट 315। तो स्टूडेंट 2x = 315 - 5, तो हमारे पास बचा 2x = 310, और स्टूडेंट हमारे पास x आया 155। क्लियर स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर बना स्टूडेंट वो बना है ऑप्शन बी, आंसर 155, x की वैल्यू 155।
सो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में मोड, मीडियन, मीन के बारे में, बहुलक के बारे में, रेंज के बारे में सभी आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है आप उन्हें भी जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट।